मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू एसजीआई ऑनलाइन क्लास, क्लास 6, सब्जेक्ट हिंदी लैंग्वेज, पार्ट 2, वर्ण विच्छेद। बच्चों, पिछले वीडियो में हमने पार्ट 2, वर्ण विच्छेद के अंतर्गत व्यंजन किसे कहते हैं तथा व्यंजन के कितने भेद होते हैं ये पढ़ा सा और समझा। आज मैं आपको पहले पुनः दोहराऊंगी कि व्यंजन क्या है और व्यंजन के कितने भेद होते हैं। तो व्यंजन वे वर्ण कहलाते हैं जिनको स्वर की सहायता से उच्चारित किया जाता है। तो ऐसे वर्ण क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। व्यंजन के चार भेद होते हैं। पहला स्पर्श व्यंजन, दूसरा अंतस्थ व्यंजन, तीसरा उष्म व्यंजन और चौथा उच्छिप्त व्यंजन। स्पर्श व्यंजन जो है, स्पर्श व्यंजन की संख्या 25 होती है और इसमें 5 वर्ग होते हैं। प्रत्येक वर्ग में 5-5 वर्ण होते हैं जिनका उच्चारण करते समय उच्चारण स्थानों से स्पर्श होते हुए सब वर्ण को हम बोलते हैं। इसके बाद था अंतःस्थ व्यंजन। अंतःस्थ व्यंजन की संख्या 4 है। कौन कौन से? या, रा, ला, वा। इसके बाद उष्म व्यंजन बताए थे। उष्म व्यंजन कौन कौन से थे? सा, शा, सा, हा। फिर इसके बाद आपका उच्छिप्त व्यंजन। उच्छिप्त व्यंजन में आपके वर्ण की संख्या 2 है, द और डा, क्योंकि इनको उच्चारण करते समय हमारी जीभ तालु का स्पर्श करते हुए ऊपर उठ के तुरंत नीचे गिर जाती, इसलिए इसे उच्छिप्त व्यंजन कहते हैं। आज मैं आपको व्यंजन के ही अंतर्गत कुछ जो और अन्य विशेष व्यंजन है उनके बारे में समझाऊंगी। कुछ अन्य विशेष व्यंजन में पहला संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में क्या है? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले व्यंजन संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से 4 होते हैं। कौन कौन से होते हैं? छ, त्र, ज्ञ और श्र। अब इसको देखिए, संयुक्त व्यंजन कैसे बने? अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन, फिर इसका उदाहरण। तो पहला वर्ण अर्ध व्यंजन में का के नीचे हलंत लगा, आ की मात्रा से अलग हुई तो ये अर्ध व्यंजन हो गया का। पूर्ण व्यंजन में सा वर्ण लेंगे तो आधा का और शा, ये दोनों वर्ण मिला के संयुक्त व्यंजन बना छा। उदाहरण में क्या आया? रक्षा। फिर है दूसरा शब्द ता। ता में हलंत लगा तो ता जो वर्ण है वो भी आधा हुआ। पूर्ण वर्ण रा, आधा ता और रा मिलकर के संयुक्त व्यंजन बना त्रा। और उदाहरण में नेत्र। इसके बाद तीसरा है जा। जा में हलंत लगने से शब्द आधा हुआ जा और या, आधा जा और या मिलकर के शब्द बना ज्ञा। और उदाहरण में यज्ञ। चौथा शब्द है शा। शा अर्ध है क्योंकि इसमें भी हलंत लगा हुआ है। रा पूर्ण शब्द है तो शा और रा दोनों शब्द मिलकर बना संयुक्त व्यंजन श्रा। और उदाहरण में श्रम। इसके बाद बच्चों है खा, द्वित व्यंजन। अद्वित व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन का पहली बार बिना स्वर के दो बार प्रयोग किया जाता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। इसमें भी पहले अर्ध व्यंजन, उसके बाद पूर्ण व्यंजन, इसके बाद संयुक्त व्यंजन और फिर उदाहरण। अर्ध व्यंजन का में नीचे हलंत लगने से का आधा वर्ण हो गया। पूर्ण वर्ण का और संयुक्त व्यंजन क्या बना? अर्ध और पूर्ण व्यंजन दोनों, क्योंकि ये द्वितीय व्यंजन बना रहे, ये संयुक्त व्यंजन था इसलिए इन दोनों से दूसरा शब्द निर्मित हुआ। इसमें अर्ध और पूर्ण शब्द कक। उदाहरण में शब्द बना मक्का। इसके बाद अर्ध व्यंजन में चा हलंत लगने से चार हुआ। इसके बाद पूर्ण चा,
शब्द निर्मित संयुक्त व्यंजन क्या बना? चट। और उदाहरण में कच्चा। अर्ध व्यंजन में तीसरा शब्द है ता। अनंत लगने से ता आधा हुआ और पूर्ण शब्द है ता, तो आधा ता और पूरा ता, संयुक्त व्यंजन में तत। इसके बाद इसका उदाहरण पत्ता। चौथा है ला। ला के नीचे हलंत और पूर्ण ला। इसके बाद ये दोनों को मिला के अधला और पूर्णा, इस संयुक्त व्यंजन में इससे शब्द बना बल्ला। इसके बाद गा नंबर पे है संयुक्ताक्षर। इसकी परिभाषा देखिए, जब स्वर रहित व्यंजनों का अपने से अलग व्यंजन से मेल होता है। संयुक्ताक्षर की परिभाषा क्या है? जब स्वर रहित व्यंजनों का अपने से अलग व्यंजनों से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। अब उदाहरण देखिए, जैसे अर्ध व्यंजन, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन और उदाहरण। अर्ध व्यंजन, धा में नीचे हलंत लगने से आधा धा, पूर्ण व्यंजन या संयुक्त व्यंजन धय, तो यहाँ पे उदाहरण में ध्यान। ना के नीचे हलंत लगा हुआ है, ना अर्ध हुआ, पूर्ण में पूर्ण मा लिखा हुआ है, तो आधा ना और मा संयुक्त व्यंजन में आ गया न, और उदाहरण जन। वा के नीचे हलंत, बा आधा हुआ, दा पूर्ण आपका वर्ण है, तो आधा बा और दा, इस संयुक्त व्यंजन में वर, तो शब्द क्या हुआ? शब्द। इसके बाद है सा, नीचे हलंत लगने से सा आधा हुआ, पूर्ण व्यंजन में मा और संयुक्त व्यंजन क्या बना? आधा श और मा शम, तो उदाहरण में रश्म। अब इसे मैं पुनः दोहराऊंगी। कुछ अन्य विशेष व्यंजन क्या है? अब अन्य विशेष व्यंजन में पहला संयुक्त व्यंजन। अब संयुक्त व्यंजन किसे कहते हैं? एक से अधिक व्यंजनों के मेल से बनने वाले संयुक्त व्यंजन कहलाते हैं। संयुक्त व्यंजन मुख्य रूप से चार होते हैं। कौन कौन से? छ, त्र, ज्ञ और ष। अब ये कैसे संयुक्त व्यंजन बने इन्हें देखिए। अर्ध व्यंजन क और पूर्ण व्यंजन स, इन दोनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन क्या बना? छ। उदाहरण में रक्षा। फिर अर्ध व्यंजन का त पूर्ण व्यंजन से रा, इन दोनों के संयोग से संयुक्त व्यंजन बना त्रा। शब्द निर्मित नेत्र। अर्ध व्यंजन में ज, पूर्ण व्यंजन में या, या और जावर के ज्ञा, शब्द निर्मित हुआ यज्ञ। इसके बाद है श और पूर्ण व्यंजन रा, अर्ध सा और पूर्ण रा मिलके बना श्रा, शब्द श्रम। इसके बाद है ख नंबर पे द्वित व्यंजन। द्वित व्यंजन किसे कहते हैं? जब एक ही व्यंजन का पहली बार बिना स्वर के, पहली बार बिना स्वर के दो बार प्रयोग किया जाता है उसे द्वित व्यंजन कहते हैं। अर्ध व्यंजन में का, पूर्ण व्यंजन में का पूर्ण, ये अर्ध है और पूर्ण, तो संयुक्त इसका इन दोनों को मिलाने से कप हुआ, उदाहरण में मक्का। इसके बाद अर्ध व्यंजन का चा और पूर्ण व्यंजन का पूर्ण चा, हलन से आधा चा, आधा वर्ण होता है, आ की मात्रा अलग हो जाती है, जैसा कि मैंने अभी पहले भी बताया था कि चा में हलन लगने से चा आधा हुआ और पूर्ण चा, तो आधा चा और पूर्ण चा चच, शब्द बना कच्चा। इसके बाद ता में हलन और उसके बाद पूर्णता, आधाता और पूर्णता, तद और उदाहरण पत्ता। आधा ला, हलंत लगने से ला का आ की मात्रा अलग हुई, तो ला, अर्ध और पूर्ण ला, पूर्ण व्यंजन, संयुक्त व्यंजन बना ल, शब्द बना आपका बल्ला। इसके बाद है गा नंबर पे संयुक्ताक्षर। संयुक्ताक्षर क्या है? जब स्वर रहित व्यंजन का अपने से अलग व्यंजन से मेल होता है तब वह संयुक्ताक्षर कहलाता है। जैसे
अर्धव्यंजन का धा, पूर्ण व्यंजन या श्वेत व्यंजन बना ध्याय, उदाहरण में ध्यान। इसके बाद दूसरा शब्द है ना, ना में भी हंस लगने से ना अर्ध हुआ, पूर्ण व्यंजन मा और श्वेत व्यंजन आधा ना और मा नन, तो शब्द बना आपका जन। फिर तीसरा शब्द है वर्ण आपका वा, वा में हंस लगने से वा भी अर्ध हुआ, तो अर्ध व्यंजन वा, पूर्ण व्यंजन द और संयुक्त व्यंजन में वध हुआ, शब्द बना आपका शब्द। इसके बाद चौथे नंबर पे है शा और पूर्ण व्यंजन में मा, तो संयुक्त व्यंजन क्या बनाया यहाँ पर शम, उदाहरण में रश्मि। बच्चों आज के लिए इतना ही। अब आप व्यंजन के भेद तो आपने पढ़े ही हैं, इसके साथ साथ अन्य विशेष व्यंजन के भेद क्या होते हैं उन्हें भी मैंने आज आपको समझाया, तो आप इसके वीडियो की सहायता से संयुक्त व्यंजन के अन्य भेदों को भी पढ़ करके अच्छे से समझेंगे। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट ट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस ऑफ इंग्लिश। स्टूडेंट्स यस्टरडे आई एक्सप्लेन यू चैप्टर नंबर सेकंड द चेरी ट्री इन इंग्लिश लिटरेचर अप टू पैराग्राफ नंबर 6 or 7। ओके नाउ द नेक्स्ट पैराग्राफ बिगिंस from one morning. Okay, I will start the paragraph where it was left yesterday, so be ready and try to understand the chapter seriously. Note down all the difficult words meanings also. Okay, let us start it. One morning in the garden he bent to pick up what he thought वाज अ स्मॉल ट्विग। एक सुबह की बात होती है, राकेश हु इज द कैरेक्टर, मेन कैरेक्टर ऑफ दिस स्टोरी, राकेश ने क्या किया इन द गार्डन, अपने गार्डन में बेंट टू पिक अप, बेंट मीन्स नेल्ट डाउन, झुका, टू पिक अप मीन्स उठाने के लिए, राकेश गार्डन में एक सुबह कुछ उठाने के लिए झुकता है। व्हाट ही थॉट वॉज अ स्मॉल ट्विग, और ये था क्या, इट वॉज नन बट अ स्मॉल ब्रांच, ट्विग मीन्स ब्रांच। ओके एंड फाउंड टू हिज सरप्राइज, एंड इट वॉज अ ग्रेट सरप्राइज फॉर हिम, ही वॉज एक्सट्रीमली सरप्राइज, और वो बहुत ज्यादा आश्चर्य में पड़ गया, दैट इट वॉज वेल रूटेड, कि इसमें इस ब्रांच में वेल रूटेड, दैट मीन्स अ रूट वॉज डिवेलप्ड फुली, इसमें एक जड़ पूर्णतया विकसित हो चुकी थी। ओके वंस अगेन आई विल एक्सप्लेन अप टू दिस फर्स्ट लाइन। द नरेटर सेज दैट वन मॉर्निंग राकेश वेंट टू हिज गार्डन एंड इट वॉज a great surprise for him as he had seen a small or tiny branch that was laying on the soil and it had a fully developed root in it. He stared at it. Stared means looked constantly, fixedly. Rakesh लगातार उसको घूर कर देखता है। Looked seriously, looked constantly, looked fixedly, stared means. For a moment, that means for some time, Rakesh ने कुछ देर तक इस ब्रांच को बहुत ही सीरियसली देखा, घूर करके देखा, that means Rakesh kept on looking constantly that branch for some time. Then ran to fetch grandfather. Then इसके बाद ran, that means started running
To fetch, fetch means bring, call. Grandfather अपने दादाजी को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा. इसके बाद वो अपने दादाजी को बुलाने के लिए दौड़ पड़ा. ओके, ही रैन टू कॉल हिज ग्रैंडफादर. कॉलिंग दादा एंड ही स्टार्टेड कॉलिंग दादा दादा कम एंड लुक. कम एंड लुक दैट मीन्स दादाजी इधर आइए और इसे देखिए. ही कॉल्ड हिज ग्रैंडफादर एंड आस्क्ड हिम टू लुक व्हाट इट वाज. द चेरी ट्री हैज कम. ही इन्फॉर्म्ड हिज ग्रैंडफादर दैट द सीड हैड बीन स्प्राउटेड. अ न्यू प्लांट वाज ग्रोन फ्रॉम दैट सीड. इट वाज अ चेरी ट्री. व्हाट चेरी ट्री. उसके दादाजी आश्चर्य में पड़ जाते हैं. हिज ग्रैंडफादर वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड टू हियर इट. ओके, और क्या कहते हैं. व्हाट चेरी ट्री. क्या कहा. चेरी ट्री. ओके, ही सेड इफ इट वाज रियली चेरी ट्री व्हिच वाज ग्रोन फ्रॉम द सीड सीड दैट वाज सोन इन द सॉइल. तो ग्रैंडफादर ने आश्चर्य करते हुए पूछा क्या चेरी ट्री. Who had forgotten about it? शायद दादाजी इसके बारे में बिल्कुल भूल चुके थे कि उसके ग्रैंडसन यानी राकेश ने सॉइल में चेरी सीड को बोया हुआ था. ग्रैंडफादर हैड फॉरगॉटन फुली अबाउट इट दैट हिज ग्रैंडसन हैड सोन अ सीड इनटू द सॉइल. दैट्स व्हाई ही वाज एक्सट्रीमली सरप्राइज्ड. The seed we planted last year. Look, it comes up. राकेश ने अपने दादाजी को इन्फॉर्म किया. दादाजी the seed we planted last year. Planted means sown. The seed that was sown by him last year. राकेश ने दादाजी को बताया कि दादाजी ये वही चेरी ट्री है जिसके सीड को उसने लास्ट ईयर सॉइल में सो किया था. Look, इट्स कम अप. देखो दादाजी इट हैज ग्रोन. ये उगाया है. इट इज स्प्राउटेड. इसमें अंकुरण निकल आया. ओके, राकेश इन्फॉर्म्ड हिज ग्रैंडफादर दैट इट वाज द सेम सीड व्हिच ही हैड प्लांटेड लास्ट ईयर इनटू द सॉइल एंड नाउ दिस सीड वाज स्प्राउटेड. अ न्यू प्लांट वाज ग्रोन. राकेश वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस. राकेश क्या करता है. वेंट डाउन ऑन हिज हॉन्चेस. वेंट डाउन झुक गया. हॉन्चेस लोअर योर सेल्फ टूवर्ड्स द ग्राउंड. ही लोअर्ड हिमसेल्फ टूवर्ड्स द ग्राउंड सो दैट योर लेग्स कैन बेंट अंडर यू एंड यू आर बैलेंसिंग ऑन योर फीट. द मीनिंग ऑफ दिस फ्रेज इज गिवन हियर. मतलब आप हाथ पैर फोल्ड करके झुक करके जमीन की ओर बैठ जाते हैं. तो राकेश अपने पैरों को टांगों को फोल्ड करके जमीन की ओर झुक गया. वही ग्रैंडफादर बेंट ऑलमोस्ट डबल. जबकि उसके दादाजी बेंट ऑलमोस्ट डबल और ज्यादा झुक गए. ही बेंट अ लिटिल मोर देन राकेश एंड पियर्ड डाउन एट द टाइनी ट्री. पियर्ड डाउन मीन्स मीनिंग इज गिवन लुक्ड विद डिफिकल्टी. और उसके दादाजी ने बहुत जोर लगा करके ही ऑब्जर्व दैट स्मॉल सैपलिंग सीरियसली. ही हैड अ क्लोज एग्जामिनेशन. ही हैड अ क्लोज ऑब्जर्वेशन ऑफ दैट स्मॉल सैपलिंग दैट हैड बीन ग्रोन फ्रॉम द सीड विच वॉज सोन बाई राकेश. ओके, इट वॉज अ वेरी टाइनी ट्री. ये बहुत छोटा सा प्लांट था. इट वॉज अबाउट 4 inches हाई एंड इन लेंथ इट वॉज अबाउट 4 inches. इट्स हाइट वॉज 4 inches. ओके, यस इट्स अ चेरी ट्री सेड ग्रैंडफादर. दादाजी ने कहा हाँ ये चेरी ट्री है. ओके, हिज ग्रैंडफादर आफ्टर हैविंग अ क्लोज एग्जामिनेशन ऑफ द स्मॉल सैपलिंग इन्फॉर्म्ड राकेश दैट डेफिनेटली इट वॉज अ चेरी ट्री विच हैड ग्रोन फ्रॉम द सीड सोन बाई हिम.
यू शुड वाटर इट नाउ एंड देन। और उसके दादाजी ने क्या कहा, उसको जब कब इसको वाटरिंग करना चाहिए। देन हिज ग्रैंडफादर एडवाइज राकेश दैट द स्मॉल सैपलिंग आ प्लांट शुड बी वाटर्ड नाउ एंड देन। राकेश रैन इंडोर्स एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर एंड आफ्टर हियरिंग दिस एडवाइस फ्रॉम हिज ग्रैंडफादर राकेश वेंट रनिंग इनटू हिज हाउस एंड केम बैक विद अ बकेट ऑफ वाटर। और बाल्टी में पानी भर करके वापस आ गया। डोंट ड्रोन इट सेड ग्रैंडफादर, उसके दादाजी ने कहा नहीं 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 बेटा इसको डुबाना मत। ड्रोन मीन्स होता है सबमर्ज सिंक। हिज ग्रैंडफादर एडवाइज राकेश दैट द स्मॉल प्लांट शुड नॉट बी इमर्स्ड फुली बिकॉज इट वॉज सो स्मॉल एंड डजेंट नीड अ लॉट ऑफ वाटर। राकेश गेव इट अ स्प्रिंकलिंग, देन राकेश ने क्या किया, थोड़ा स्प्रिंकलिंग किया मतलब छिड़काव किया पानी का। बट इट डिडंट सीम टू बी ग्रोइंग वेरी फास्ट, जब उसने देखा कि सॉरी राकेश गेव इट आ स्प्रिंकलिंग एंड सर्कल्ड इट विद पीबल्स, इसने थोड़ा जल का छिड़काव किया एंड सर्कल्ड दैट मीन मेड अ बाउंड्री, सर्कल बना दिया, किससे बना दिया, विद पीबल्स स्मॉल स्टोन्स। उसने ही मेड अ स्मॉल राउंड फेंस अराउंड इट बाय यूजिंग स्मॉल पीबल्स। What are the pebbles for? Asked grandfather. His grandfather ने पूछा, उसके दादाजी ने पूछा राकेश ये pebbles किस लिए है ना। When राकेश made a small fence around the cherry tree to protect it, his grandfather inquired about it. He asked why he had made a round fence around it. Okay? फॉर प्राइवेसी सेड राकेश, राकेश ने कहा प्राइवेसी के लिए, इसकी सुरक्षा के लिए, सो दैट इट मे बी प्रोटेक्टेड। ओके स्टूडेंट्स, टुडे आई विल लीव हियर, नेक्स्ट डे आई विल स्टार्ट फ्रॉम वेयर इट इज नाउ लेफ्ट, सो टिल देन रिवाइज दिस पैराग्राफ फुली, रीड अगेन एंड अगेन एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड ऑल डिफिकल्ट वर्ड्स carefully. Okay, thank you for attending today's class. Good morning students, I welcome you to the online classes of SGOI. In the last class we have completed question number 4 of exercise 1B. Today we will be starting with question number 5. In question number 5 we are saying find the approximate sum to nearest 100. ठीक है, आपको बोला जा रहा है कि you have to find the approximate sum to nearest 100. तो कल मैंने आपको बताया था कि सबसे पहले आप क्या करते हो, राउंड ऑफ करते हो, उसके बाद सम करते हो। ठीक है, तो पहले आपको करना है राउंड ऑफ, उसके बाद सम। और किसके नियरेस्ट राउंड ऑफ करना है, नियरेस्ट 100. ठीक है, यू नो दैट दिस इज वंस टेंस 100, दिस इज वंस टेंस एंड 100. जब नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना होता है तो कौन डिजिट को देखते हैं, टेंथ डिजिट को देखते हैं। टेंथ डिजिट किसके इक्वल है, 5 के इक्वल है, इसका मतलब यहां 0 यहां 0 और यहां पे 6 प्लस 1 कर देंगे दैट इज 7. ठीक, देन प्लस यहां पे आएंगे, टेंथ डिजिट को देखिए 4 है जो कि 5 से कम है, इसका मतलब यहां भी 0 यहां भी 0 और यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो हो जाएगा 700 प्लस 200, इनका सम करोगे तो आंसर होगी 9. तो जब भी वैल्यू 5 या 5 से बड़ी होगी तभी आगे वाले में प्लस 1 करेंगे, वरना एज इट इज रहने देंगे। ठीक, तो आई थिंक वी हैव गॉट दिस क्वेश्चन नंबर 5 कैसे करना है। एक और ले लो क्वेश्चन नंबर 5 फिफ्थ फोर्थ पार्ट, इट इज सेइंग 9483 प्लस 6572, इसमें भी यू हैव टू फाइंड द सम टू नियरेस्ट 100. ठीक है, तो सबसे पहले वंस टेंस 100,000, वंस टेंस 100,000,
नियरेस्ट 100 में राउंड ऑफ करना है तो 10th डिजिट को देखते हैं, 10th डिजिट को देखते हैं, ठीक है। 10th डिजिट कितनी है? 8, जो कि 5 से ग्रेटर है, दैट मींस यहां 0, यहां 0, यहां पे +1 5 और ये एज इट इज, ठीक है। क्योंकि नियरेस्ट 100 राउंड ऑफ करना है तो हमको सिर्फ 100 डिजिट को ही +1 कर सकते हो या वही रहेगा, और कुछ नहीं हो सकता, ठीक है। प्लस यहां पर 10th डिजिट कितनी है? 7, जो कि 5 से ग्रेटर है, तो अगेन 0 0 हियर टू बी 5 प्लस 1 6 और यहां पे ये रहेगा 6, तो हियर यू कैन सी 9500 प्लस 6600 सम करेंगे तो 0 0 6 प्लस 5 11 1 कैरी 1 9 प्लस 1 10 प्लस 6 16 दैट मींस 16100 विल बी द आंसर, ठीक। चलिए नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 6। इन क्वेश्चन नंबर 6 फिर से सम करना है, लेकिन इस बार जो राउंड ऑफ करना है वो नियरेस्ट 1000 में करना है, ठीक है। नियरेस्ट 1000, आई एम रीडिंग फर्स्ट पार्ट फॉर यू। इट इज रिटन 43728 प्लस 36275, ठीक राइट। लिखने की जरूरत नहीं है, वंस का 100 तो आपको पता ही चल चुका है, ठीक है। तो यहां पे जो राउंड ऑफ करना है दैट इज यू हैव टू डू टू नियरेस्ट 1000। तो नियरेस्ट 1000 के लिए कौन सी डिजिट को देखते हो? 100 डिजिट को देखेंगे। ये 100 डिजिट है, यहां ये है 100 डिजिट। 100 डिजिट इज मोर देन 5, दैट मींस हियर टू बी 0 0 0, यहां पे +1 4 हो जाएगा, ये एज इट इज, ठीक है। नाउ प्लस 100 डिजिट इज 2 व्हिच इज स्मॉलर देन 5, तो 0 0 0 ये भी एज इट इज रहेगा 6 और 3। तो यहां से यू कैन सी 44000 प्लस 36000 ऐड करेंगे तो यू विल गेट 80000, ठीक। तो सिमिलरली आप क्वेश्चन नंबर 6 के भी सारे पार्ट्स इजीली सॉल्व कर सकते हैं। नाउ मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 7। इन क्वेश्चन नंबर 7 अब जो सम करने से है चीजें डिफरेंस में पहुंच चुकी है ना, अब आपको सम नहीं डिफरेंस करना है। इन क्वेश्चन नंबर 7 it is saying you have to find the approximate difference in the nearest 10. So I have already told you first you will be rounding of the things to nearest 10. Uske baad we will be doing the subtraction. Okay? So I am doing second part. It is written 186 minus 49. 186 minus 49. Okay? करना किसके nearest है? Nearest 10 पे करना है, और nearest 10 पे करना है तो कौन से digit को देखते हो आप? Ones digit को देखो। वन डिजिट इज 6, वन डिजिट इज 9। ये 6 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो ये 0 हो जाएगा, ये +1 9 हो जाएगा और यहां पे 1 ही रहेगा। देन माइनस, ये 9 है जो कि 5 से ग्रेटर है, तो ये 0 हो जाएगा, इसमें +1 हो जाएगा तो ये 50 हो जाएगा। तो यू विल गेट 190 माइनस 50 दैट इज इक्वल टू 140 एंड दैट इज योर आंसर, ठीक। सिमिलरली यू कैन डू ऑल द अदर्स पार्ट्स। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 8। In question number 8, it is being said, it's saying, find an approximate difference to nearest 100, nearest 100 की बात की जा रही है, find the third part. In this it is written, 8359 minus 4317. सबसे मेजर चीज ये है कि आपको ये ध्यान रखना है कि किसके नियरेस्ट आपको राउंड ऑफ करना है। इन दिस क्वेश्चन में यू हैव टू राउंड ऑफ टू नियरेस्ट 100, और नियरेस्ट 100 पे राउंड ऑफ करने के लिए 10th डिजिट को देखते हैं, ठीक है। यहां पर 10th डिजिट क्या है? 5, जो कि 5 के इक्वल है, तो यहां पे 0 होगा, यहां पे 0 और यहां पे +1 हो जाएगा 4 और यहां पे 8 रहेगा, ठीक है। देन माइनस, ये कितना है? 1, जो कि 5 से स्मॉलर है, दैट मींस यहां पे 0 और यहां पे 0, और क्योंकि ये 5 से स्मॉलर है तो इस 100 स्पेस में कोई चेंज नहीं आएगा, इट विल बी 3 एंड ये तो 4 रहने ही, ठीक। यू विल गेट 8400 माइनस 4300, सबट्रैक्ट करेंगे तो आंसर मिल जाएगा 4100, या बोले 4100 विल बी योर आंसर, ठीक। तो सिमिलरली यू कैन डू ऑल द अदर पार्ट्स ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर 8। मूविंग टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 फिर से डिफरेंस करना है, लेकिन इस बार जो अप्रोक्सीमेट करनी है चीजें वो आपको नियरेस्ट 1000 में करनी है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 9 का भी थर्ड सेकंड पार्ट आई एम टेकिंग। इट इज रिटन 38005 माइनस 29375। नाउ यू हैव टू राउंड ऑफ द थिंग्स टू नियरेस्ट 1000।
नियर 1000 पे राउंड ऑफ करनी है तो कौन सी डिजिट को देखते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, 100 डिजिट को देखते हैं। ठीक, यहां पे 100 डिजिट कितनी है, 0, दैट मींस ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, ये भी 0 होगा, और ये जो वैल्यू होगी क्योंकि ये 0 है जो कि 5 से कम है, तो इसका मतलब ये सेम रहेगा, तो ये 38,000। ठीक, नाउ माइनस सी the 100th digit which is 3. Now this is also smaller than 5. For that you will be writing 000. और क्योंकि ये 5 से कम है तो इस वाले 1000 place भी कोई change नहीं आएगा, तो it will be 9 and 2, that is 29,000. 38,000 and 29,000 subtract करेंगे, you will get 9,000 as your answer. ठीक है, तो 9,000 will be your answer. I don't think कि आप कोई problem होगी आपको इनको solve करने के लिए. Question number 9, all the parts you can solve in the same way which I am doing. Okay. Now moving to question number 10. In question number 10, अब इसमें थोड़ा operation different है. In question number 10, it is saying estimate each of the following products by rounding off each number to nearest 10. अब product करना है, मतलब बीच में sign change होके multiplication का आ चुका है और आपको बोला जा रहा है तो उसको आपको approximate करना है. फिर से वही चीज, सबसे पहले digits को राउंड ऑफ करेंगे, उसके बाद मल्टीप्लाई. ठीक है, तो आई एम डूइंग क्वेश्चन नंबर 10 थर्ड पार्ट. इट इज रिटन 63 मल्टीप्लाई 57 और राउंड ऑफ किसके नियरेस्ट करना है, नियरेस्ट 10 करना है, और नियरेस्ट 10 करना है तो कौन सी डिजिट को देखते हैं, वन डिजिट. वन डिजिट इज 3 व्हिच इज स्मॉलर देन 5, हेंस इट विल बी 0 और यहां कोई चेंज नहीं आएगा. 60 मल्टीप्लाई one digit is 7 which is greater than 5, hence it will be 0 और यहाँ पे plus 1 हो जाएगा. क्यों? क्योंकि ये जो value है वो 5 से बड़ी है, तो it will be 60 और 60 into 60 करेंगे तो आप you will get the answer 3600. ठीक है, so this is your answer. Similarly you can solve all the other parts of question number 10. Now moving to question number 11. अगेन इट इज सेइंग एस्टिमेट करना है, फिर से प्रोडक्ट है, लेकिन इस बार जो राउंड ऑफ करना है वो नियरेस्ट 100 पे करना है. इसके दो पार्ट में कर दे रहा हूं. पहले फर्स्ट पार्ट 265 मल्टीप्लाई बाय 334, उसके बाद लास्ट पार्ट दैट इज फोर्थ पार्ट. इन फोर्थ पार्ट इज रिटन 455 मल्टीप्लाई विद 130. ओके, nearest 100 पर राउंड ऑफ करना है तो डिजिट जो देखी जाएगी दैट विल बी 10 डिजिट. ठीक, दिस इज 6 ग्रेटर देन 5 बट विल बी 0 0 यहां प्लस आ जाएगा तो 300 मल्टीप्लाई, दिस इज 3 व्हिच इज स्मॉलर देन 5, हेंस इज 0 0 यहां पे कोई चेंज नहीं आएगा, तो विल बी 300 इनटू 300, 3 3 इज 9 और 4 0 1 2 3 4 दैट इज 90,000 इन योर आंसर. ठीक, इसमें आते हैं, इसमें भी नियरेस्ट 100 करना है तो 10 डिजिट को देखेंगे, 10 digit is 5, तो इस वाले में increment हो सकता है, that means 0, 0, यहाँ पे 5, 4 plus 1, 5, multiply, this is 3, which is smaller than 5, hence 0, 0, और यहाँ पे कोई चीज नहीं आएगा, तो 100 हो जाएगा, we will get 5 answer, 5 or 4 zeros, 1, 2, 3 and 4, 50,000 will be your answer. ठीक, so similarly you can do all the rest part of this question number 11. Now moving to question number 12, which is the last question of this exercise. It is saying find the approximate quotient of each of the following. फिर से वही सेम चीज करनी है. क्या करनी है? पहले approximate, उसके बाद division. ठीक? अब यहाँ पे लिखा नहीं हुआ कि nearest किसके आपको वो करना है. तो जब ना लिखा हो कि किसके nearest आपको round off करना है, तो आपको assume करना होगा कि nearest 10 पे ही round off करना है. डिजिट के हिसाब से भी मैं कर दूंगा. क्वेश्चन नंबर 1 फर्स्ट पार्ट इट इज रिटन 86 माइनस 27, 86 सॉरी डिवाइड बाय 27, एंड इन पार्ट थर्ड इट इज रिटन 286 डिवाइड बाय 25. जब नहीं गिवन होगा कि किसके अबाउट आपको किसके अबाउट राउंड ऑफ करना है, तो आप क्या देखोगे, नंबर ऑफ डिजिट्स को देखोगे. ठीक है, यहाँ नंबर ऑफ डिजिट्स कितनी, 1 2, मतलब 10 तक पहुंच रहा है,
तो nearest 10 पर round off करेंगे। यदि ones tens दो digit तो nearest 10 पर round off करेंगे। यहाँ पर ones tens 100 three digits तो nearest 100 पर round off करेंगे। Here it is ones and tens that is two digits तो nearest 10 पे round off करेंगे। ठीक है, जब given ना हो तो nearest 10 पर round off करने के लिए कौन सी digit को देखते हैं? Ones digit which is 6 जो कि 5 से greater है, we will get here 9 और यहाँ पे 8 plus 1 यहाँ पे 0 हो जाएगा, यहाँ पे 8 plus 1 9 डिवाइड पर यहाँ पे देखिए फिर से क्या कहाँ करना है, nearest 10 पे करना है, टू डिजिट्स हैं और nearest 10 पे करने के लिए कौन सी डिजिट को देखते हैं? वंस डिजिट को देखते हैं, 7 which is greater than 5 will get 0 और यहाँ पे 2 plus 1 3 हो जाएगा। अब आप समझ सकते हो 90 डिवाइड बाय 30 0 0 3 1 3 या 3 3 जाए हैंस 3 will be your answer। ठीक है, थ्री डिजिट्स हैं तो नियरेस्ट 100 पर राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 100 के लिए 10 डिजिट को देखते हैं, 10 डिजिट इज 8 व्हिच इज ग्रेटर देन 5 हेंस इट विल बी 0 0 एंड 2 प्लस 1 3 डिवाइड बाय इट इज 25 जो टू डिजिट नंबर है तो उसको नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करेंगे। नियरेस्ट 10 पे राउंड ऑफ करने के लिए वंस डिजिट को देखते हैं, वंस डिजिट क्या है? 5 है जो कि 5 या 5 के इक्वल है ही, तो इसके बाद 2 प्लस 1 3 हो जाएगा क्योंकि 300 डिवाइड बाय 30 0 0 3 1 3 या 3 10 का 30 दैट मींस 10 विल बी योर आंसर। ठीक है, तो दिस इज द कंप्लीशन ऑफ योर एक्सरसाइज 1b। इन टुमारोस क्लास वी विल बी स्टार्टिंग एक्सरसाइज 1b। हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन ऑनलाइन क्लासेस। स्टूडेंट, इन प्रीवियस क्लास वी हैव सॉल्व सम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम फ्रॉम मेजरमेंट ऑफ एरिया एंड मेजरमेंट ऑफ टेम्परेचर। नाउ टुडे वी विल डिस्कस मेजरमेंट ऑफ टाइम। स्टूडेंट, इन अर्ली पीरियड टाइम वॉज मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ वाटर क्लॉक, वॉटर क्लॉक, सैंड क्लॉक एंड सन डायल क्लॉक एक्सेट्रा। बट इन टूडेज एरा वी यूज टू टाइप्स ऑफ क्लॉक फॉर मेजरिंग टाइम। फर्स्ट इज 12 आवर क्लॉक and second one is 24 hour clock। Now how we measure time in 12 hour clock? Student, in 12 hour clock the time from 12 o'clock at night to 12 o'clock at noon is a given suffix am. Conversely, the time from 12 o'clock at noon to 12 o'clock at night is a given suffix PM. Now, how we measure time in 24 hour clock? Student, in 24 hour clock, the time mentioned 1 to 12 represent morning to noon. Morning to noon. And the time mentioned from 12 hour 1 minute to 12 hour 1 minute to 23 hour 59 minute represent noon to
diet. Student, a 24-hour clock, we does not use suffix AM or PM. And student, in our country, generally we use 12-hour clock for measuring time. But in some government organization, such as airport, aeroplane, we use 24-hour clock. Now student, some advantages of 24-hour clock. First is, in this system, AM or PM or morning or evening is not used, because this prevent a lot of confusion. Student, in this system, yeah, in 24-hour clock, AM or PM or morning or evening is not used, because this prevent a lot of confusion. And in second point, the time shown by 4-digit. First two digit represent R. And next two digit represent minute. Student, the time shown by 4-digit. For example, 12:59. Suppose, for example, first 2-digit represent hour and next two digit represent minute. Next point is, the same time is not repeated. In 24-hour clock, the same time is not repeated in 24-hour clock. Now, rules for converting 24-hour time to 12-hour time. First point, 00 hours means it is 12 o'clock at night or midnight. And second point, 12 hour means it is 12 o'clock at noon. And third point, the time between 00 hours to 12 o'clock at noon is taken as AM. And fourth point, in order to convert time between 24 hour to 12 hour into PM on 12 hour clock, 12 is subtracted from the given time. Student, suppose the time given in 24 hour clock is 15 hour. Then how we will convert it into 12-hour clock?
Then we will see 3 p.m. in 12 hour clock. So student, today's class is over. In next class, we will solve some numerical problem from this unit. Thank you.
दो है और ये लोग क्या होते हैं नॉट सोनोरस, यानी कि अगर आप इनको स्ट्राइक करेंगे इनको हिट करेंगे तो ये कोई भी साउंड प्रोड्यूस नहीं करते हैं। तो जो भी चीजें आपने देखा ये नॉट सोनोरस है यानी कि इनमें साउंड प्रोड्यूसिंग नहीं होती है। जैसे कि गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस ऑनलाइन क्लासेस एंड दिस इज योर बायोलॉजी क्लास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट द एजेंट्स ऑफ पॉलिनेशन। सो स्टूडेंट्स, यू नो दैट इन क्रॉस पॉलिनेशन देयर आर वेरियस एजेंट्स व्हिच आर इन्वॉल्व इन द पॉलिनेशन एंड व्हाट द एजेंट्स डू एक्चुअली इन क्रॉस पॉलिनेशन। दीज एजेंट्स हेल्प इन द पॉलिनेशन मीन्स द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन्स फ्रॉम वन फ्लावर टू अनदर। And what are these agents? They may be insect, birds, other animals, wind, water. So these are the agents for pollination. And today we will discuss all these agents step by step or one by one. So first is pollination by insect. Students, how the insect help in pollination? Insects when visit in a flower, the pollen grains get dust get stuck on the body of these insects. Then those insects which bodies have the pollination go to the another flower. So the pollen grains get dusted off onto the other flower. So by this process insect help in the pollination, means when the insect visit in a flower, the pollen grains get stuck on the body of the insect. When the insect visit on another flower, all the pollen grains get dusted off from the body of the insect. So it will help to transfer the pollen grains from one flower to another. So students, we will discuss about the flower which are pollinated by insect. They show some characteristics, means insect pollinated flowers show following characteristics. What are the characteristics? First is flowers are brightly colored to attract insect. Students, the flowers which are pollinated by insect are brightly colored. That's why they can attract the insect, because it helps in the pollination. It helps in the attraction of insect. Second is the flower produce scent that attract insect. Those flower produce scent. So by the smell of the scent, the insect are attracted for the pollination, for collecting the scent. So these are the features of the flower. Means they are brightly colored, they are scented, so they attract the insect. Third is pollen grains are sticky and produce in less numbers, means the pollen grains are sticky, so they easily get stuck of the body of the insects. When the insect visit in a flower, the pollen grains which are sticky easily stuck to the body of the insect, and when they visit in another flower, the pollen grains get dusted off. Fourth is some flowers produce nectar. You know students, nectar is used in some insect as a source of food, like in butterfly, bees. What is the food of the butterfly and bees? Is a nectar. So these insect visit on a flower for collecting the nectar, and at the same time when they are visit in a flower for collecting the nectar, the pollen grains get struck on the body of the insect, and they also help in the pollination.
when they visit in a flower for collecting the nectar, they also help in the pollination. So, flowers which are pollinated by insect are rose, dahlia, sunflower, etc. These flowers are pollinated by insect. Its second agent is pollination by wind. The second agent is wind. So, student, in some cases, wind also help in pollination because wind blow very fast, and when it blow, it carry out some pollen grains with it. And get dust out of other places. Okay, the pollen grains are scattered in many places. So the flowers which show the pollination by wind have the following characteristics. First is pollen grains are light, dry, and produce in large number because they are carried out by wind. So they are light in weight and dry, so they can easily be carried out by wind. And they are produced in large number because when they are blown with the air, some of the scattered here and there, some of the scattered on the flower. So many of the pollen grains are lost in when they are carried out by wind. So the pollen grains are produced in large in number. Second is the stigma is large and feathery. Stigma is large means when the stigma is large, they can easily catch up the pollen grains. And sticky in nature, when the pollen grains are get blown with the wind, when they scattered on the stigma of a flower, the stigma is feathery. It is easily catch the pollen grains. Okay, students. So stigma is large and feathery to catch the wind carried pollen grains. And which type of flower is pollinated by wind? Wheat, maize, palm, grasses. These plants are pollinated by wind. So students, next is pollination by water. And pollination is carried out by water in aquatic plant, means those plants which live in underwater or floating on the surface of the water. Those plants are called aquatic plant. It is take place in plant like hydrilla and Vallisneria. So, how the pollination carried out by water in Vallisneria? In Vallisneria, the male plant is grown separately, and when it mature, it get detached from the parent body. When it get detached from the parent body, it floats on the surface of water. It is floating on the surface of water. And on the another hand, the female flower has a long stalk which help to float in the water. The long stalk help the female flower to float on the surface of the water. And when the male flower come in contact with the female flower, the pollen grains are transferred from the anther to the stigma, means from the male flower to the female flower. By this process, the pollination occur by the help of water, means they both are floating on the surface, and when they come in contact, the pollen grains are transferred with the help of water. So pollination is carried out by water in hydrilla and Vallisneria. Next is fertilization. So students, next is fertilization. The fertilization is the process of between the pollination and the seed formation. The pollination and the seed formation, in between the process, the fertilization. Means we can also say that fertilization is the process after the fertilization. What happened after the fertilization? Student, fertilization is the fusion of male gamete with the female gamete. Is called fertilization, means the fusion of male gamete and female gamete. This process is called fertilization. And what happened after the pollination? Let's see. After the pollination, the pollen grains fall on the stigma of a female flower. So this is the stigma, and the pollen grains fall on the stigma. So this is called pollination. The transfer of pollen grains from anther to the stigma is called pollination. Now these pollen grains germinate. These pollen grains are germinate and form a long tube-like structure. And these tube grow through the style. You can see here, these tube grow through the style. This is the style. These tube grow through the style and reaches to the
ovule, then enter into the ovary. It reaches to the ovary, then enter into the ovule. This is the ovary, this is the ovary, and this is the ovule. This long tube goes through the style and reaches to the ovary, then enter into the ovule. When it enters into the ovule, the male gamete, which is present in the pollen grains, this is the pollen grains, here the male gamete is present, is also go, this is the male gamete, enter into this ovule. And here the egg cell is present. Inside the ovule, there is an egg cell, which is also called female gamete. This egg cell contains female gamete. And these two male gamete reaches into the ovule, and where it fuses with this egg cell. Inside the ovule, this two male gamete fuses with this egg cell and form a single cell. This single cell is called zygote. They form a single cell called zygote. And the process of fusion of these two male gamete with this egg cell is called fertilization. This is called the fusion of male gamete with the female gamete is called fertilization. And after the fertilization, a single cell is formed, is called zygote. So this is the process of fertilization. And after fertilization, the ovule becomes seed and the ovary become fruit. And all the part of the flower like petals, sepals, stigma are fought off. So this is the process of fertilization. Students, that's enough for today, and we will discuss the seed formation in our next class. Thank you, students. Have a nice day.
erosion of running water or effects of weather. So these processes are act on the earth surface. So ये process कहाँ पे act करती है बच्चों? Earth surface में act करती है. और these are the elements of elevation like rivers, glaciers, winds and waves. And now next process is endogenic or internal process. The internal processes operate in the interior of the earth. तो ये जो process होती है बच्चों ये earth के interior में बहुत आंतरिक भाग में अंदर की तरफ ये process act करती है. The effect of the internal processes may be felt suddenly on the surface. इनका effect को हम लोग earth में suddenly महसूस कर सकते हैं like earthquake हो रहा है, volcanic eruption हो रहा है और tidal activities हो रही है. तो these processes are act in the interior of the earth. और ये वाली process क्या करती है बच्चों? Exogenic process, they act on the earth surface and these processes are act in the interior of the earth. Sometimes the internal process like mountains building operate slowly over a long period of time. कभी कभी जैसे एक internal process होती है जैसे कि mountains building, mountains का बनना बहुत लंबे process तक चलता है. The working of the internal process cannot be observed. इंटरनल प्रोसेस की वर्किंग को हम लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते लेकिन हम लोग एक्सटर्नल प्रोसेस की वर्किंग को ऑब्जर्व कर सकते हैं. कैसे ऑब्जर्व कर सकते हैं बच्चों? जैसे मैंने बताया था कि रनिंग वाटर के थ्रू या इफेक्ट ऑफ वेदरिंग के थ्रू. बट द प्रोसेस ऑफ द इंटरनल द वर्किंग ऑफ द इंटरनल प्रोसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व बट इट्स इफेक्ट मे बी विजिबल ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड. लेकिन इसके इफेक्ट को हम लोग लैंड पर लैंड के सर्फेस पर देख सकते हैं. अर्थक्वेक को हम महसूस कर सकते हैं. अर्थक्वेक को हम लैंड पर देख सकते हैं. वोल्केनिक इरप्शन को हम लैंड पर देख सकते हैं. बट द वर्किंग ऑफ दिस प्रोसेस कैन नॉट बी ऑब्जर्व बट इट्स इफेक्ट मस्ट बी सीन ऑन द सर्फेस ऑफ द लैंड. हेंस एंडोजेनिक मूवमेंट्स में भी स्लो मूवमेंट्स और सडन मूवमेंट्स. तो एंडोजेनिक मूवमेंट्स भी हमारे क्या होते हैं बच्चों? स्लो मूवमेंट्स होते हैं और सडन मूवमेंट्स होते हैं. तो दीज आर टू प्रोसेस एक्सोजेनिक और एक्सटर्नल प्रोसेस. नाउ सेकंड एंडोजेनिक और इंटरनल प्रोसेस. इज इट क्लियर? एक्सोजेनिक प्रोसेस एक्ट ऑन द अर्थ सरफेस बाय एजेंट्स ऑफ डिग्रेडेशन. इज इट क्लियर? नाउ एंडोजेनिक और इंटरनल प्रोसेस एक्ट इन द इंटीरियर ऑफ and if the working of these processes cannot be observed but its effect must be seen on the surface of the land. So students, अभी तक हमने बात की थी कि there are two processes, endogenic process, exogenic process and endogenic process. अब हम बात करते हैं कि endogenic movements may be slow movements or sudden movements. जो एंडोजेनिक मूवमेंट्स होते हैं वो भी बच्चों के होते हैं स्लो मूवमेंट्स होते हैं और सडन मूवमेंट्स होते हैं. सबसे पहले बात करते हैं स्लो मूवमेंट्स. स्लो मूवमेंट्स आर ऑफ टू टाइप्स, वर्टिकल और एंडोजेनिक और हॉरिजॉन्टल और ओरोजेनिक. नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे. आई विल कंटिन्यू दिस चैप्टर इन माय नेक्स्ट वीडियो. Hello class, welcome to you Shivaji Group of Institutions online classes. Class, I have discussed chapter 2, river valley stabilization. River valley stabilization, it means all stabilizations increased in the bank of rivers. Thus we discuss river valley stabilization first Mesopotamian. Mesopotamian stabilization, in previous class I have discussed about the civilization. कि what was civilization? यानी a society that in great development या have a great development that is called civilized या civilization. So the earliest civilization that flourished in the world were when now I discuss कि earliest civilization that flourished in the world were मानी सबसे पहले जो सिविलाइजेशन पूरे विश्व में डेवलप हुई दैट इज कॉल्ड माने जिन्हें कहा जाता है फर्स्ट इन इजिप्टियन सिविलाइजेशन ऑन द बैंक ऑफ रिवर नाइल. इजिप्टियन सिविलाइजेशन यानी इजिप्टियन फर्स्ट क्या थी? इजिप्टियन सिविलाइजेशन.
जो क्या थी, रिवर बैंक यानी बैंक रिवर बैंक ऑफ नाइल, एंड सेकंड यानी सेकंड इज कॉल्ड मेसोपोटामियन यानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन विच इज फ्लोरिस्ट ऑन द रिवर बैंक ऑफ यूफ्रेट्स एंड टिग्रीस. दैट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन फ्लोरिस्ट एंड टू इन बोथ टू रिवर्स यूफ्रेट्स और टिग्रीस. नाउ डिस्कस थर्ड यानी द थर्ड सिविलाइजेशन इज कॉल्ड चाइनीज सिविलाइजेशन. चाइनीज सिविलाइजेशन इज फ्लोरिस्ट ऑन द बैंक ऑफ या रिवर बैंक ऑफ कॉन्गो. यानी चाइनीज सिविलाइजेशन इज फ्लोरिस्ड ऑन द रिवर बैंक ऑफ कॉन्गो. एंड वी डिस्कस अबाउट फोर्थ यानी फोर्थ सिविलाइजेशन इज कॉल्ड इंडस वैली सिविलाइजेशन. इंडस वैली सिविलाइजेशन ऑन द रिवर बैंक ऑफ इंडस. तो आई होप दैट एवरी स्टूडेंट्स हैव अंडरस्टैंड कि अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन दैट फ्लोरिस्ट इन द वर्ल्ड बट अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन जो पूरे विश्व में फ्लोरिस्ट हुई दैट आर फोर टाइप्स. मैंने फोर टाइप्स की थी. फर्स्ट इजिप्टियन, सेकंड मेसोपोटामियन यानी सेकंड क्या थी मेसोपोटामियन, एंड थर्ड चाइनीज, एंड फोर्थ इंडस वैली. माने फोर्थ माने वन टू थ्री फोर्थ. तो फर्स्ट वी डिस्कस अबाउट मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन कि व्हाट मींस मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. यानी वी फर्स्ट एक्सप्लेन टू मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन केम अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स. माने दस इसे कि जो भी हमारी सिविलाइजेशन थी केम अप ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स. माने जितनी भी सिविलाइजेशन थी वो सारी सिविलाइजेशन केम अप टू द बैंक ऑफ रिवर्स. माने नदियों के किनारे थी. देयर वर मैनी रीजन्स फॉर दिस. इनके क्या थे कई रीजन्स थे. देयर वर रीजन्स माने इनके क्या थे रीजन्स थे. विदाउट रीजन तो नो एनी वर. माने बिना रीजन के तो कोई काम नहीं होता ना. तो दस इसे कि अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन माने जो भी अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन थी ऑलरेडी केम अप टू ऑन द बैंक ऑफ रिवर्स माने नदियों के किनारे थी. इट्स अ मैनी रीजन्स. इसके क्या थे बहुत सारे रीजन्स थे. फर्स्ट क्या था रीजन्स यानी रिवर्स प्रोवाइडेड एब्रंट सप्लाई ऑफ वाटर. माने रिवर्स नदियां क्या करती थी सबसे पहले प्रोवाइडेड माने प्रोवाइड करवाती थी. एब्रंट यानी पर्याप्त मात्रा में यानी एब्रंट सप्लाई ऑफ वाटर फॉर एग्रीकल्चर. बिकॉज इन दैट टाइम मोस्ट ऑफ द पीपल हैव इंक्लूडेड इन एग्रीकल्चर. माने मोस्टली पीपल जो थे उस समय एग्रीकल्चर करते थे. दे वॉन्टेड टू नीड फॉर वॉटर टू सप्लाई एंड सप्लाई ऑफ वॉटर फॉर एग्रीकल्चर. सो द रिवर प्रोवाइडेड एब्रंट वॉटर यानी पर्याप्त मात्रा में हमें नदियों से पानी मिलता था. एंड द पॉपुलेशन कुड बी सपोर्टेड बाई इट. एंड मोस्ट ऑफ द पीपल लिव्ड इन द बैंक ऑफ रिवर्स. सो द पॉपुलेशन माने जो भी पॉपुलेशन हमारी कुड बी सपोर्टेड माने नदियों से इन्हें पूरी तरह से सपोर्टेड माने पानी का सपोर्ट मिलता था. एज बाथिंग वॉशिंग एंड फॉर एनिमल्स. नाउ वी डिस्कस कि लैंड नियर द रिवर्स वर एक्सट्रीमली फर्टाइल फॉर एग्रीकल्चर. दस वी से मोस्टली द लैंड्स विच वर द नियर ऑफ द रिवर दैट इज मोर फर्टाइल. बिकॉज जो भी लैंड हमारी नदियों के किनारे होती है वो क्या होती है मोर फर्टाइल अधिक उपजाऊ होती है. बिकॉज दे आर या दे प्रोवाइडेड या रिवर्स प्रोवाइडेड मोर सप्लाई ऑफ द वॉटर. माने क्योंकि उन्हें समय पर यानी टाइम टाइम पर पानी मिलता रहता है. रिवर्स प्रोवाइडेड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन. दस भी से कि रिवर्स यानी नदियां जो थी प्रोवाइडेड माने प्रोवाइड करवाती थी. इन दैट टाइम की ट्रांसपोर्ट एंड कम्युनिकेशन यानी रिवर्स प्रोवाइडेड कम्युनिकेशन एंड ट्रांसपोर्टेशन ऑफ दैट टाइम इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. तो अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन माने अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन जो थी केम अप टू द रिवर्स माने नदियों के किनारे क्यों थी बिकॉज इट्स मेनी रीजन्स. कि रिवर्स वैली डिड नॉट सफर एक्सट्रीम ऑफ द क्लाइमेट. माने जो भी रिवर्स वैली माने रिवर्स की जो वैली थी डिड नॉट सफर एक्सट्रीम क्लाइमेट. बिकॉज द क्लाइमेट ऑफ इन दैट प्लेस वॉज एक्सटर्मली यानी एक्सटर्मली नॉट कोल्ड नॉट समर. सो
they did not suffer the extreme of climate and were warm and pleasant. And they were, and I will discuss that the climate of the bank of rivers were kya tha? Warm and pleasant. Now students, I have discussed the earliest civilization. My earliest civilization came up to the bank. My how? My why earliest civilization came up to the bank of rivers? It has many reasons. The first earliest jo rivers ne provided supply of the water. Any land near the rivers were extremely fertile. Rivers provided means of transport and communication. And the climate of river valley is very extremely warm and pleasant. मतलब जो क्लाइमेट वहां का होता था हमेशा क्या होता था दैट वी कॉल इन नॉर्मल. दस वी डिस्कस कि मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन. व्हाट मींस मेसोपोटामियन वर्ड्स, मतलब मेसोपोटामियन शब्द का ही क्या मतलब है. व्हाट मींस मेसोपोटामियन. मेसोपोटामियन तो द नेम मेसोपोटामिया इज डिराइव्ड फ्रॉम ग्रीक वर्ड. दस वी से द नेम मेसोपोटामिया यानी मेसोपोटामिया शब्द ही डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड, मैंने ग्रीक वर्ड के मिसोस यानी मिसोस शब्द से लिया गया है. मिसोस, मिसोस इज द ग्रीक वर्ड. मैंने मिसोस क्या है, ग्रीक वर्ड था. विच मीनिंग्स, मैंने विच मीन्स मैंने जिसका मतलब क्या है, मिडल. मिडल यानी मेसोपोटामियंस यानी मेसोपोटामिया वर्ड डिराइव फ्रॉम द ग्रीक वर्ड Mesos, which means middle. And next word, because Mesopotamia have two words, Meso and Potamian. ठीक, Meso तो Potamian एक Potamian word, यानी Potomac meaning is river. माने दसवीं से Mesos meaning middle and Potomac meaning is river. Thus we also said कि that the Mesopotamia word derived from the Greek word Mesos. And potamos, so the mesos means middle and potamos means river. That means land. Thus we say कि that means मने जिसका मतलब था कि एक land मने एक ऐसी land between two rivers, मने between the rivers मने जो दो नदियों के बीच, मने दो नदियों के बीच पाई जाती है, that is called Mesopotamia. Because Mesopotamian civilization is known for its prosperity. मानी मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जो थी वह known यानी known जानी जाती थी for its prosperity, अपनी संपन्नता के कारण. Because मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन developed या मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन on the bank of Euphrates and Tigris, both rivers, मानी दो नदियों के बीच थी. That the cities, मतलब the prosperity, मतलब how many, यानी both cities, यानी Mesopotamian culture जो थी, is known for its property and cities अपने शहरों के कारण, its literature, मतलब its literature उनकी कला के कारण, mathematics and science and the ancient towns, यानी thus we say in Mesopotamian civilization have well known, अच्छी तरह जानी जाती थी for their literature, mathematics, science and ancient towns and cities of the Mesopotamia were discovered. मतलब thus we say in that time या Mesopotamian time many discoveries had occurred by the archaeologist about 150 years ago. मतलब thus we say कि 150 years ago archaeologist discovered many things through the Mesopotamian civilization. Now students, I explain the civilization, any Mesopotamian civilization, any I have explained the earliest civilization, so how many earliest civilization. And now students, I have discussed ki Mesopotamian civilization, ki what was the means of Mesopotamian civilization. Students, I hope you have understand. Thank you for attending this class. सुस्वागतम.
मैं रेणुलता पांडे संस्कृत शिक्षिका शिवाजी ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस। आज मैं सिक्स क्लास इंग्लिश मीडियम के बच्चों को चैप्टर टू व्याकरण वृत्ति पार्ट से पढ़ाने जा रही हूँ। बच्चों ये पेज नंबर 17 पर है, ध्यान दें। आप इस चैप्टर की पंक्तियां पढ़ चुके हैं और इसके पहले के वीडियो में मैंने जो नोटबुक का वर्क दिया था वो आपने नोट भी कर लिया होगा। जो भी मैंने उस दिन बोर्ड पे आपको समझाया है वो सब आपको अपनी नोटबुक पे लिखना है। जैसे मैंने लिंग के बारे में बताया था वो आपको लिखना है नोटबुक में। पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसक लिंग के बारे में मैंने हेडलाइंस डाली थी, वो आपको नोटबुक में लिखनी है। इसके बाद वचन, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन के शब्द मैंने हर लिंग में अलग अलग लिखवाए थे, यानी पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के तीनों वचनों में अलग अलग शब्द लिखाए थे, वो भी आपको अपनी नोटबुक में लिखने हैं। और इसके बाद तीसरा पॉइंट है सर्वनाम। सर्वनाम भी जो मैंने आपको बोर्ड में उस दिन समझाया था, लिखाया था, वो पंक्तियां भी आपको अपनी नोटबुक में लिखनी है। तो इस चैप्टर में आपको इतना नोटबुक में वर्क करना है। इसके बाद आइए अनुशीलनम, आपकी एक्सरसाइज रिटन एक्सरसाइज तो 17 पेज से स्टार्ट हो रही है, उसके पहले 16 पेज भी देख लीजिए जरा। ये मौखिक है, मौखिक में आपको करना क्या है कि कुछ शब्द दिए हुए हैं, पुल्लिंग शब्द दिए हैं, स्त्रीलिंग के दिए हैं और नपुंसक लिंग के, और ये सब सर्वनाम में ही है, संज्ञा शब्द नहीं है, ये सारे सर्वनाम शब्द हैं और इनके तीनों वचनों में जो रूप दिए हैं उसमें लिखा है कि ध्यान से पढ़िए और उच्चारण कीजिए, आपकी बुक में पेज नंबर 16। तो बच्चों मैं उच्चारण कर रही हूँ, ध्यान से सुनिए। जब आप सही बोलेंगे तब सही लिख पाएंगे। विसर्ग सहित उच्चारण करना है आपको और विसर्ग का उच्चारण होता है हा की तरह। जैसे पुल्लिंग में देखिए पहला शब्द है देव, इसके तीनों वचनों में रूप होगा देवाह, देवौ, देवाह। बहुवचन में बढ़िया की मात्रा और विसर्ग है तो उसे बोलेंगे देवाह, देवाह, देवौ, देवाह। इसी तरह बालकाह, बालकौ, बालकाह। इस तरह आपको उच्चारण करना है। स्त्रीलिंग शब्द देखिए छात्रा शब्द है तो इसका उच्चारण होगा छात्रा, छात्रे, छात्राः। शिष्या शब्द है शिष्या, शिष्ये, शिष्याः। नपुंसक लिंग के दो उदाहरण देखिए, फल शब्द है फलम, फले, फलानि। पत्र शब्द है पत्र, यहां पत्र से मतलब पत्ते से है, पत्रम, पत्रे, पत्राणि। तो इस तरह से बच्चों आप इन शब्दों को पढ़ें और उनका उच्चारण करने का अभ्यास करें। अब आइए पेज नंबर 17 पर एक्सरसाइज नंबर 2 लिखितम। ये एक्सरसाइज जो मैं आपको कराने जा रही हूँ ये आपको अपनी बुक में फिल करनी है, नोटबुक में नहीं करना। जो कुछ भी नोटबुक में करना है मैं अपने हर वीडियो में आपको बताती रहती हूँ। तो बच्चों लिखितम में पहली एक्सरसाइज है, बॉक्स में कुछ शब्द दिए हुए हैं, आप बुक में एक्सरसाइज देखिएगा, बॉक्स में जो शब्द दिए हुए हैं उन शब्दों को लिंग के अनुसार दिए हुए स्थान पर लिखना है, यानी वो शब्द जो है वो पुल्लिंग के भी है, स्त्रीलिंग के भी है और नपुंसक लिंग के भी है, मिक्सिंग है वो सारे वर्ड्स। तो आपको उन वर्ड्स को सेलेक्ट करके जो शब्द जिस लिंग का है उस स्थान पर लिखना है। तो बच्चों देखिए मैंने ये सेलेक्ट किए हैं, ये पुल्लिंग के शब्द हैं चंद्राह, वेदाह, श्री कृष्णाह, मयूराह। ये शब्द जो है ये पुल्लिंग में आते हैं। स्त्रीलिंग के शब्द हैं वेदिका, कणिका, वेदिका, कणिका, गीता, चटका। चटका में चिड़िया होता है, ठीक है। अब देखिए नपुंसक लिंग, मैंने बताया था कि जो शब्द ना तो पुल्लिंग में आते हैं ना स्त्रीलिंग में आते हैं वो नपुंसक लिंग में आते हैं, ठीक है, वो नपुंसक लिंग होते हैं। जैसे पुष्पम,
जलम, गृहम और उपनेत्रम। उपनेत्रम यानी चश्मा, ठीक है। तो इस तरह से बच्चों ये जो मैंने शब्द लिखे हैं ये तीनों लिंगों के सेमेंटिक वर्ड्स हैं और आप अपनी बुक में इसे पेंसिल से फिल करें, ठीक है। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज जो है इसमें भी देखिए मंजूषा में शब्द दिए, मंजूषा यानी बॉक्स में, ठीक है। आपकी बुक में मंजूषा में बहुत सारे शब्द लिखे हुए हैं, उन्हें भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के अकॉर्डिंग सेलेक्ट करना है और उन्हें उस कॉलम में लिखना है। एक्सरसाइज आपकी है निम्नलिखित शब्दों को वचन के अनुसार चुनकर दिए हुए स्थान पर लिखिए। दिए हुए स्थान यानी जैसे यहाँ लिखा है एक वचन, यहाँ पर एक वचन वाले शब्द आपको यहाँ लिखने, द्विवचन द्विवचन वाले शब्द आपको यहाँ लिखने हैं, बहुवचन बहुवचन के शब्द यहाँ लिखने। यानी आप पहले पहचान करें, एक एक शब्द को देखना है और पहचान करनी है उसी, और उसके बाद दिए हुए स्थान पर उसे लिखना है। तो देखिए बच्चों मंजूषा से ही ये शब्द मैंने लिए और एक वचन का शब्द है उस मंजूषा में छात्रा, शुका, पुष्पम, ठीक है। ये दोनों जो है पुल्लिंग के शब्द है एक वचन में, और ये नपुंसक लिंग का है, इसका रूप अलग चलता है। फलम फले फलानी, वैसे ही पुष्पम पुष्पे पुष्पाण, तो ये पुष्पम एक वचन है, प्रथमा विभक्ति में रूप चलता है पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, ठीक है। तो इट मीन्स ये एक वचन है। अब आइए द्विवचन पर, वृक्षौ वृक्ष यानी वृक्षा वृक्षौ वृक्षा, वृक्षौ द्विवचन है। फल का रूप अभी मैंने आपको एग्जांपल बताया था, फलम फले फलानि, फले इट मीन्स फले द्विवचन है। अश्व उल्लिंग में आता है, अश्वाह अश्वौ अश्वाह, जैसे अभी एग्जाम्पल में हमने आपकी बुक से उच्चारण जिसमें सिखाया बालकः बालको बालकः, वैसे ही अश्व शब्द भी पुल्लिंग है, तो अश्वाह अश्वौ अश्वाह, तो अश्वौ द्विवचन हुआ। तो ये बच्चों द्विवचन के शब्द हैं, वृक्षौ फले अश्वौ, ठीक है। अब आइए बहुवचन में, आम्राणी लता, विसर्ग होगा बच्चों, और नरा, आम्राणी फलम फले फलानी, वैसे आम्रम आम्रे आम्राणी, आम्राणी बहुवचन होगा। लता शब्द स्त्रीलिंग है, आपकी बुक में छात्रा का मैंने उदाहरण दिया था, छात्रा छात्रे छात्रा, स्त्रीलिंग में ऐसे रूप चलता है प्रथमा विभक्ति में, तो लता भी स्त्रीलिंग है, तो लता लते लता बहुवचन हो गया। नर शब्द भी पुल्लिंग है, बालका बालको बालका, तो नरह नरो नरा, इस तरह से पहचान करनी है आपको, तो ये बहुवचन में आएंगे। तो बच्चों ये एक वचन के शब्द हैं, ये द्विवचन के हैं और ये बहुवचन के शब्द हैं, ओके। अब आइए नेक्स्ट एक्सरसाइज, निर्देशानुसार, निर्देशानुसार सर्वनाम शब्द में लिंग और वचन का प्रयोग करें। ये जितने शब्द हैं ये सब सर्वनाम हैं, सर्वनाम शब्द दिए हुए हैं और उसमें निर्देशानुसार लिंग और वचन का प्रयोग करना है। जैसे बताया जा रहा है तत् स्त्रीलिंग बहुवचन में, यानी तत् शब्द का स्त्रीलिंग बहुवचन में क्या रूप बनेगा ये आपको लिखना है। तो तत् शब्द स्त्रीलिंग में होता है सा ते ताह, सा ते ताह, इस तरह से रूप चलता है। तो ये तत् स्त्रीलिंग बहुवचन में ताह शब्द होगा। एतत् का बोला गया है नपुंसक लिंग द्विवचन में रूप बनाइए, नपुंसक लिंग द्विवचन एतत् का, तो ये शब्द बनेगा एते। फलम फले फलानी, तो एतत् एते एतानि एता एते शब्द जो है बच्चों ये द्विवचन में आएगा, नपुंसक लिंग द्विवचन में एते शब्द बनेगा। किम किम मीन्स क्या, इसका पुल्लिंग बहुवचन में रूप बनाना है, यानी कहा कौ के, ठीक है, यहाँ पर के शब्द आएगा।
अब बच्चों इसके दो शब्द और रह गए हैं, देखिए जरा दो शब्द इस एक्सरसाइज में, एतर पुल्लिंग बहुवचने, एतर पुल्लिंग बहुवचन, ठीक है, और किम, किम है नपुंसक लिंग बहुवचने, नपुंसक लिंग बहुवचने। तो एतत् पुल्लिंग बहुवचन में रूप बनेगा के, सॉरी एते, और किम नपुंसक लिंग बहुवचन में बनेगा कान, किम के कान, एते और कान। तो बच्चों चैप्टर टू की एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई है, आप इसे बुक में फिल करें, सभी बच्चे टाइमली अपना वर्क कंप्लीट करते रहें। धन्यवाद, आपका दिन मंगलमय हो। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, दिस इज क्लास 6E, सब्जेक्ट इज कंप्यूटर। टुडे वी स्टार्ट चैप्टर नंबर 2, फाइल मैनेजमेंट एंड डेटा ऑर्गेनाइजेशन। ओके, व्हाट इज द फाइल? फाइल इज अ कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन और द ग्रुप ऑफ इंफॉर्मेशन और ग्रुप ऑफ टेक्स्ट, इमेजेस एक्सेट्रा। फाइल कैन स्टोर अ स्पेस और फाइल कैन occupy a space on a hard disk. It has a specific name. That means ki when we create a file, suppose that we create in MS Word a file, document file, that file occupy a space on a disk and it has a specific name. Okay. Now what is the folder? Folder is just like your file folder. It contains files and subfolder. Okay, folders has a specific name, but main difference between file and folder is this ki file has a extension name but folder has no extension name. Okay, we can not write in a folder but we can write in file. That means file, we can write file text, insert a picture, etc. But folder contain only files and subfolders. Okay, folders, picture like this. This is the folder. Generally, folder display in yellow color on your desktop screen. Okay, now what is the file management? Organizing the file and folder on a computer disk. Okay, organizing the file and folders on a computer disk is called file management. File management is just like you manage your cupboard, your book rack, just like their file management work. File management can following work like viewing and copying, moving and deleting file and folder. That means you can view all the files and folders, you can copy a file and folders, you can moving file and folders, you can delete a file and folder, and other some work file management like sorting a file folders. You can sort, you can display file list or you can display files with a sorting features. Sorting features means you can see file in ascending or descending orders. Okay, sorting by name, by type, by size and so on. Now the next topic is copying data from one drive to another drive. That means ki
आपको एक ड्राइव से डेटा, यानी कि एक ड्राइव से जो आपकी फाइल है उसको, अगर फाइल या फोल्डर को हम लोग किसी दूसरी ड्राइव में किस तरह से कॉपी करेंगे ये देखेंगे। तो पहले तो आपका है कि व्हाट इज द ड्राइव इन अ कंप्यूटर व्हाट इज अ कंप्यूटर ड्राइव? अ कंप्यूटर ड्राइव इज अ हार्डवेयर that is used to read and store data। clear student? हार्ड डिस्क जो है वो आपका किसी भी डेटा को रीड एंड स्टोर करने के लिए यूज होता है। देयर आर सो मैनी इन कंप्यूटर देयर आर सो मैनी ड्राइव्स। दीज ड्राइव आर रिप्रेजेंट इंग्लिश अल्फाबेट्स लाइक सी डी ई। सी रिप्रेजेंट्स हार्ड डिस्क, डी एंड ई रिप्रेजेंट्स इन जनरली यूएसबी और डिस्क ड्राइव। ओके, नाउ how to copying a data from one drive to another. First point is locate the file or folders that you want to copy from the drive. That means ki firstly you select the file or folder that you want to copy. Okay, now second point is right click on it. Suppose that ki you can select a file, this is the file, you can select the file and right click with the help of mouse, right click on it and select the copy option. And the third point is use Windows Explorer to open you want to copy the file and folder. That means keep the Windows Explorer to open a disk or open a area where you want to copy the file and folder. Right click on the blank space in the drive and select the paste option. Okay, select the paste option. The copied file will be pasted in the drive. And the second option is, or second method is, how to copy from one drive to another drive. First method is already explained. Second method ka first point aap ye hai. First is the select the file or folder. Second point, press control plus C key. That means ki you press the control key and second hand to press C key. And next is to open Windows Explorer and select the new another drive where you want to copy file or folder. And the fourth point is press control plus V key. And fifth is file is copied. That means ki control C is used for copy. This is the shortcut key for copy. Okay. And control plus V, this is the shortcut for paste a file.
डे. थैंक यू. हैव अ नाइस डे.